बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी को पता ही नहीं कि लग्जमबर्ग जो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है, वहाँ पर 5, 8, 10, 5 तक के लिए जॉब निकली पड़ी है और यहाँ पर उनकी इतनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर वीज़ा सक्सेस रेट 99% और यहाँ पर आपकी बीवी फर्स्ट डे से आपके साथ बाजू से बाजू मनाकर चलेगी और उसको मिलेगा ओपन वर्क परमिट और इवन कि आपके बच्चों की यहाँ पर एजुकेशन भी फ्री है जी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन से सी जॉब्स है, सबसे ऊपर मैं रखूंगा इसको, रखूंगा फूड इंडस्ट्री को। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी, मैं यूके 19 साल से रह रहा हूँ और मैं खुद का पैसा लगाकर लोगों की हेल्प करके विदेशों में जाता हूँ। आपको साइट पर इंटरव्यूज दिखाई जा रही है, पर आज भी मैंने दे रहा एक फ्री गिव अवे। जो आप वीडियो को दिल खोल के लाइक और कमेंट करते हैं, मेरे पास 4 ब्रिटिश एयरवेज के वाउचर हैं, प्लेन के वाउचर हैं, जो आपको सीधे मेरे साथ फ्री टिकट देंगे। रहना खाना पीना सारा मेरी तरफ से आपके लिए फ्री होगा, फिनलैंड फिर इसके लिए आप वीडियो को दिल खोल के लाइक और कमेंट कीजिए। फूड इंडस्ट्री की आपको सारी कंपनीज के नाम दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो मैकडॉनल्ड है, पिज़्ज़ा हट है, बर्गर किंग है, आपको इनमें से एक का करियर पेज भी दिखाया जा रहा है। अगर आप फ्रेशर हो, आपको सिर्फ किचन हेल्पर का काम आता है या फिर आप कॉमी शेफ हो, 1, 2, 3 हो, शेफ द पार्टी हो, इवन कोई भी तरह से मतलब कि बरिस्ता से हो, आपकी चांदी है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 10 से 15 यूरो पर आवर की। और यहाँ पर अगर आप 10 घंटे काम कर लेते, रफली आप 15 से 20 हज़ार एक दिहाड़ी का निकाल लोगे, जो कि एक फ्रेशर के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मैंने खुद देखा है जलंधर शहर में, पंजाब में, जहाँ पर लड़के फुल टाइम काम करते और उनको मिलता है 10 से 15 हज़ार जो बरिस्ता में इंडिया में काम करते, और यहाँ पर आपकी एक दिन की सैलरी इतनी है। तो अगर आप फ्रेशर हो, आपको फूड इंडस्ट्री ट्राई करनी चाहिए। और आपको स्क्रीन पर मैं फिर भी दिखा दूंगा कि बरिस्ता में कॉफ़ी मेकर की कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप इसको कॉपी पेस्ट मार सकते हैं और अपने सीवी में डालकर अपने आप को इंटरव्यू लेकर आ सकते हैं। अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मैं व्हाट्सअप नंबर पर हूँ जहाँ पर मैं आपसे खुद बात करूँ और मेरी कॉस्ट 1,000 रुपये। तो इससे अच्छा आप फ्रॉड से बचने के लिए मेरे व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उस वहाँ पर आइए और आपका सीवी एंड कवर लेटर में हाफ प्राइस में मिलाकर आपको जॉब दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आपने खुद ही देखा कल ही हमारे एक सब्सक्राइबर यूके जैसी बड़ी कंट्री में मेरे सीवी से शेफ की जॉब मिल गई है। सेकेंड आपको दिखाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन, आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बिहार पर यहाँ पर जॉब कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्रिक क्लियर, कंस्ट्रक्शन लेबर, तो आपको मेरे व्हाट्सएप पर आना है। और आपकी भी जो सैलरी है यहाँ पर रफली 3 से 4 लाख पर मंथ है और आपको मिलेंगे 15 से 20 यूरो, और इवन की वीकेंड में कभी कभी आपका 1 घंटे का पैसा 25 यूरो पर चल जाता है। पर गाइस, इसके लिए आप फ्रेशर हो, पर आपका पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट क्लीन होना चाहिए और आप वो जज्बा हो कि आपको सारी जो वेबसाइट पर दिखाई जा रही है लग्जमबर्ग की, आपको अपना सीवी रजिस्टर करना है और टॉप क्लास सीवी बनाकर आपको दिन रात जॉब अप्लाई करनी, और विद इन 1 या 2 मंथ आपको लग्जमबर्ग जॉब मिल जाएगी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हेल्पर लेबर की है, चाहे वो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की। पर आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 2 से 3 लाख तो मिनिमम होगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वीज़ा चल रहा है कोविड-19 के बाद, और आपको सबसे ज़्यादा वीज़ा मिलता है इंडियन को, वो केयर होम में। बहुत सा डर था हम मेल है हम क्यों करें, नहीं, मेल केयर होम में भी आपको काम मिल सकता है। अगर आप लड़के हो तो आप एज ए नर्स नहीं, आपको जॉब मिल, नर्स के लाइसेंस चाहिए होता है। आप एज ए मेल अगर किसी को नहलाना धुलाना है पेशेंट को, उसको मेडिसिन देनी एज पर नर्स की गाइडेंस से, तो आपको केयर होम में ट्राई करना चाहिए। और इसके लिए भी एज ए फ्रेशर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो 4 से 5 लाख है। और इस जॉब की सबसे खास है दोस्तों ये है कि जॉब में आपको फ्री वीज़ा मिलता है बिकॉज मेडिकल लाइन से है, और आपको रहना खाना पीना वहाँ के हॉस्पिटल देते हैं। गाइस देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर चल छोड़ो आपको फिनलैंड भी नहीं जाना है, आपको फ्री सीवी लेना है, मैं आपके व्यापार, तो एक आदमी इंसानियत, अगर आप अच्छा कर्म करोगे या तो जाओ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना फिर दिखाया जा रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा जिसको कुछ भी नहीं आता है, मेरा सेकेंड गारंटी भी है, वो आप लेकर अगले महीने यूके का वर्क वीज़ा, लॉटरी वर्क वीज़ा, वो सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए, जहाँ पर आपको जॉब नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए और इवन कोई खास बैंक बैलेंस भी नहीं और एक्सपीरियंस नहीं, आपने बस उसको सब्सक्राइब करना और 2 दिन के लिए खुलता है, एक फॉर्म भरना है, अगर आपका नाम उसमें आ जाता है स्क्रीन पर दिखाया फॉर्म कैसे भरना है, आपको 2 साल ओपन वर्क मिलेगा यूके में और उसके बाद अमेरिका भी जा सकते हैं। नंबर 4 पर रखूँगा सिक्योरिटी गार्ड एंड सुपरमार्केट, आपको सुपरमार्केट के नाम सब दिखाए जा रहे हैं। आपको इनके करियर पेज पर जाना है, अप्लाई करना है एज ए सेल्स असिस्टेंट, कैशियर, वेयरहाउस ऑपरेटिव और सिक्योरिटी गार्ड। अगर आप में 4 में से कोई भी स्किल है, दुबई में काम किया है, तो लग्जमबर्ग में आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 15 यूरो से लेकर 20 यूरो होगी, जहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फूड शॉपिंग में, इन सुपरमार्केट में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म दी जाएगी और आपको प्रॉपर आगे जाकर सुपरवाइजर टीम लीडर की जॉब मिल सकती है। और इसके लिए भी आपको इन करियर पे जाना है, आपको साइट पर दिखाया जाए कैशियर की वो सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने स्क्रीनशॉट लेना है मेरे वीडियो से, वीडियो को डाउनलोड करना और अपने सीवी में डालना है। गाइस मैं अपने पैसा लगाकर न्यूयॉर्क सिटी जाता हूँ, यूके, कनाडा,
क्या फ़ायदा मेरा इतना पैसा वेस्ट करने का, और मैंने अभी आईटीएल बनने जा रहा हूँ 2024 में, और मैंने 50 लाख के करीब होटल और फ्लाइट की कॉस्ट ही भरी है आपके लिए। तो गाइज आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा सुपरमार्केट पर। इसके बाद नंबर पाँचवें हैं जॉब, होटल जॉब, जहाँ पर आप हाउस कीपिंग, बार अटेंडेंट है ना, रेस्टोरेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एज ए फ्रेश ट्राई कर सकते हो, और वेटर वेटर्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेनली काम है ही होटल इंडस्ट्री का। और इसमें सबसे ईजी जॉब है जो मेरी फेवरेट हाउस कीपिंग है, जहाँ आपको सिर्फ रूम को क्लीन करना है, वैक्यूम करना है, डस्टिंग करनी, और इसी चलता होता है, और आपके सर पर कोई होता नहीं, और आपकी भी सैलरी एवरेज सैलरी आप 20 यूरो पर आवर मिलेगी, और आखिर आप ही यहाँ से 25 से 30 हज़ार एक दिन कमा लोगे। अगर आपको भी ये सैलरी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आई एम ओनली वन कॉल अवे ऑन व्हाट्सअप। और आपको पता है गैसर के नीचे कमेंट में कभी गैसर ने फ्रॉड नहीं किया और वो फ्रॉड के खुद भी अगेंस्ट है, तो आपको होटल लाइन में भी जॉब मिल सकती है। अगर जो बच्चे किसान के एग्रीकल्चर जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लोगों ने मुझे भी गे टाइटल दिया है, अगर किसी लड़के की हेल्प करना गे है, अगर किसी को उसकी बीवी के साथ मिलाना गे है, अगर किसी को लाखों रुपया देना गे है, आई एम मोर देन वेलकम टू टेक दिस टाइटल एज ए गे। मैं गे हूँ और मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। जब तक मेरे में सांस है, मैं देसी बंदे की हूँ, कभी भी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे। तो एग्रीकल्चर की बहुत डिमांड है, एग्रीकल्चर की जॉब रिस्पॉन्स दिखाई जा रही है। अगर आप फिशिंग बैकग्राउंड, अगर आप फ्रूट पिकिंग से हो, अगर वेटर पिकिंग, तो गाइस प्लीज आपको भी इस पर, इसकी प्रॉब्लम ये कि आपको सिर्फ 6 से 9 मंथ का ही वीज़ा मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हो, तो एग्रीकल्चर भी एक आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, जब रहना खाना पीना आपका सारा एम्प्लॉयर देगा। रियल एस्टेट, अगर आप प्रॉपर्टी बैकग्राउंड से, आपको घर को किराए पर देना लेना अच्छा लगता है, आप कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हो, तो गाइस आपके लिए भी रियल एस्टेट की जॉब एक बहुत अच्छी जॉब है, जहाँ पर गाइस आप बड़े आराम से 3 से 4 लाख कमा सकते हो। पर इसके लिए आपकी लैंग्वेज आना चाहिए, पर इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, शेफ एंड किचन हेल्पर की वैकेंसीज निकलती है, और इसके लिए अगर आप किचन हेल्पर बैकग्राउंड से, आपको सैलड काटना अच्छा लगता है, किचन में काम करना अच्छा लगता है, अगर आप 60 साल के अंकल आंटी हो, तो आपको भी एज ए फ्रेश जॉब मिल सकती है, बिकॉज किचन हेल्पर की जॉब हर रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू शेफ उसको सैलड और वेजिटेबल काट कर देते हो, और ये जॉब काफ़ी बिजी होती है, पर इसमें भी आपकी सैलरी 2 से 4 लाख बन जाती है, जो कि एक देसी बंदे गरीबी दूर करने के लिए बहुत अच्छी है। पर अगेन कोई हेल्प चाहिए, आई एम ओनली वन कॉल मेरे व्हाट्सअप। आपको फिर से एक बार एग्जाम्पल सैलरी ऑप्शन दिखाई जा रही है, एक बार आपको जॉब मिल गई, आपको कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से आ गया एग्जाम्पल से, आप सीधी फाइल लगाओगे एग्जाम्पल में, और आपकी कॉस्ट सिर्फ 10 हज़ार रुपये है, और उस पर वही पासपोर्ट फोटोग्राफ, आपका यूरो पास CV, आपका अकोमोडेशन, आपकी फ्लाइट, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, पुलिस सर्टिफिकेट और VFS का फॉर्म, बस यही सारी रिक्वायरमेंट होगी। और 5 साल आप रहने लगे समय के बाद आप आके नागरिकता भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगली जॉब है डिलीवरी बॉय की, अगर आप डिलीवरी और कोरियर ड्राइवर, आपको सारी ऐप्स दिखाई जा रही फूड डिलीवरी की, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, पर इसमें भी एज ए फ्रेश अप्लाई कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आप 18 साल से ऊपर हो, आपके लिए डिलीवरी जॉब निकली पड़ी। तो गाइस सोच के आ रहे हैं, जल्द से जल्द जाइए और डिलीवरी बॉय की जॉब अप्लाई कीजिए, और अपने सपना पूरा करने के लिए आप मेरी हेल्प के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। पर आपको मेरी भी हेल्प की जरूरत नहीं, आप खुद भी इनकी ऐप पर जाकर फूड डिलीवरी पिक कर की कर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फूड को पिक करना है, आपको बस स्कैन करना है और आपको पैसा लेना है, और आपको विद इन 1 वीक आपको सैलरी मिल जाती है, और आपकी जो जो होती बाइक की इंश्योरेंस वो कंपनी देती है, और आपको जो कपड़े हैं वो भी कंपनी देती है, और आपको बोनसेस मिलते हैं, जहाँ पर आपको मंथली कई बार मोबाइल फ़ोन का भी खर्चा वो कंपनी आपकी उठाती है। पैकेजिंग की जॉब, अगर आपको वेयरहाउस में काम करना, आपको पैकेजिंग की बड़ी बड़ी कंपनी दिखाई दे रही एग्जाम्पल में, यहाँ पर आप क्या करना, लोड अनलोड करना होता है, आपको लेबल लगाना होता है, और आपको पार्ट को डिस्पैच करना होता है। अगर आप पैकेजिंग बैकग्राउंड से इन सारे वेयरहाउस के नाम की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको साइड पर फिर वेयरहाउस ऑपरेटिव जॉब रिस्पॉन्स दिखाई जा रही है, तो सोच क्या रहे गाइस, बिंदास और पैकेजिंग जॉब अप्लाई कीजिए। अगर कोई भी स्ट्रगल कर रहे हो, मेरी करियर गाइडेंस 1000 रुपये की है, आप मेरे पास आ सकते हैं, और इवन की फ्री गाइडेंस लेने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी गैरी बैक पर भी आ सकते हैं। एंड फाइनली आईटी और इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है, जो बच्चे आईटी और इंजीनियर से है, आपकी यहाँ पर सैलरी 5 से 6 लाख है, बहुत बड़ी आईटी कंपनी स्क्रीन पर दिखाई भी जा रही और इंजीनियर्स की कंपनी भी दिखाई जा रही, तो सोच क्या रहे, अपना सूट केस पैक कीजिए। लेक्सम्बर में आज लाइन के लिए वीज़ा मिल रहा है, 2024 में यहाँ पर रश पड़ जाएगा, और 2025 में यहाँ पर जॉब मिलना टफ हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए 2024 में जॉब अप्लाई कीजिए, और जनवरी इनटेक में सबसे ज्यादा जॉब होती है, पर उसके लिए आपको CV और कलर बनाने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पर आना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद से भी CV बना सकते हैं। बट ऑन द मीन टाइम, अगर आपको यूरोप जाना है, मेरी कोई हेल्प लेनी है, वीडियो कमेंट कीजिए, मेरे पास 4 टिकट पड़ी हुई है, अपना लक फ्री यूरोप ट्रिप जरूर ट्राई कीजिए, और इवन कि मैं आपको एक फ्री CV दूंगा, और मेरी टीम आपके भी आप अप्लाई कर, पर इसके लिए आपको वीडियो में कमेंट करके अपनी एड्रेस जरूर डालनी पड़ेगी। बट ऑन द मीन टाइम आप चाह रहे सदा खुश रहें।